UFC 285 में जॉन जोन्स और सिरिल गान की फाइट फिक्स हो चुकी है और ऐसे में डेनियल कॉर्मिये ने एक तगड़ा बयान दिया है। उन्होंने सजेशन दिया है जॉन जोन्स को और उन्होंने थोड़ी बहुत वार्निंग भी दी है। पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। अब आपको पता है कि जॉन जोन्स ने कितनी बार हराया है डेनियल कॉर्मिये को, दो बार, और दोनों बार डेनियल कॉर्मिये इस हार को पचा नहीं पाए हैं और अब तो वो रिटायर भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी जॉन जोन्स का जो भूत है वो रोज डेनियल कॉर्मिये को सपनों में आके डराता है, नींद में भी डराता है। और ऐसे में डेनियल कॉर्मिये अब रिटायर होके कमेंटेटर भी बन गए, लेकिन जॉन जोन्स का पीछा वो अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहां पर फ्रांसिस एनगानू तो यूएफसी से कट हो गए, यानी कि उन्होंने यूएफसी छोड़ दिया, कोई भी हैवीवेट चैंपियन है नहीं। तो ऐसे में डेनियल कॉर्मिये ने कहा कि जॉन जोन्स के सामने बहुत मुसीबतें आने वाली हैं, बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बेल्ट भी जीत जाए लेकिन उन्हें कोई चैंपियन नहीं मानेगा। पूरा मामला क्या है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। डेनियल कॉर्मिये जो है वो चैंप रह चुके हैं, यानी कि वो एक टाइम पर लाइट हैवीवेट चैंपियन भी थे और उसी टाइम पर वो हैवीवेट चैंपियन भी थे। तो ऐसे में जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरकार डीसी ने क्या कहा, डीसी ने कहा, डू यू गाइज रिमेंबर वट आई वेंट थ्रू वेन आई वॉन दी लाइट हैवीवेट बेल्ट, कॉर्मिये सेड, नाउ इट्स डिफरेंट राइट, जोन्स हैजंट फॉट फ्रांसिस एनगानू बिफोर, बट इजंट इट आयरनिक दैट ही इज इन दिस सिचुएशन नाउ, माई एडवाइस टू यू जॉन इज इफ यू विन द फाइट गेट थिक स्किन बिकॉज पीपल विल बी अनरिलेंटिंग, जॉन्स इट्स गोना फ्लिप टू, इज ही द रियल चैंपियन बिकॉज ही डिडंट बीट फ्रांसिस एनगानू। ये जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं ये बोला है डेनियल कॉर्मिये ने। डेनियल कॉर्मिये बोल रहे हैं कि जिस टाइम पर मैंने दोनों बेल्ट जीती थी उस टाइम पर मैं लाइट हैवीवेट चैंपियन भी था और हैवीवेट चैंपियन भी था, उस टाइम पर सिचुएशन अलग थी, आज के टाइम पर सिचुएशन अलग है। आज के टाइम पर फ्रांसिस एनगानू को नहीं हरा सकता था जॉन जोन्स, लेकिन फ्रांसिस एनगानू चला गया है यूएफसी से बाहर। तो ऐसे में कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिरिल गान को हराने के बाद भी जॉन जोन्स को चैंपियन नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम खुद बताओ क्या जॉन जोन्स ने फ्रांसिस एनगानू को हराया, नहीं तो क्यों माने उसे चैंपियन। ये शब्द हैं यूएफसी के कमेंटेटर डेनियल कॉर्मिये के। अब कोई उनसे ये पूछने वाला हो कि जब कोई बंदा खुद डर के भाग जाए यूएफसी छोड़ के और बेल्ट वेकेट हो जाए और जॉन जोन्स ने ये बोल रखा है, देखिए जॉन जोन्स की सिचुएशन क्या है, जॉन जोन्स ने ये कहा है यूएफसी से कि मैं हैवी वेट चैंपियन बनना चाहता हूं, अब चाहे मेरी फाइट आप किंग कॉन्ग से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन कोई दूसरा फाइटर भी तो तैयार हो फाइट करने के लिए। यहां पर डेनियल कॉर्मिये ये कहना चाहते थे कि जब मैंने बेल्ट जीत ली थी लाइट हैवी वेट की तो लोग मुझे लाइट हैवी वेट चैंपियन मानने से इनकार करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जॉन जोन्स रियल लाइट हैवी वेट चैंपियन है, लेकिन उसने तो यूएफसी छोड़ दी है, तो तुम्हारे पास बेशक बेल्ट है लेकिन तुम चैंपियन नहीं हो। ये फेस कर चुके हैं डेनियल कॉर्मिये, क्योंकि देखिए जॉन जोन्स ने कई बार छुट्टी ली है, कई बार उनके ऊपर बैन भी लगा है, तो उस टाइम पर जब जॉन जोन्स यूएफसी में नहीं थे तो उस टाइम पर चैंपियन बन गए थे डेनियल कॉर्मिये, लेकिन लोग उन्हें चैंपियन मानते नहीं थे क्योंकि उस टाइम पर भी एक ही बात थी कि इस डिवीजन का किंग जॉन जोन्स है, अब वो इस डिवीजन में नहीं है तो बेशक तुम्हारे पास बेल्ट है तुम चैंपियन नहीं माने जाओगे। और जॉन जोन्स ने वापस आकर डेनियल कॉर्मिये को दो बार हराया भी। तो यही बात अब डेनियल कॉर्मिये थोप रहे हैं जॉन जोन्स के ऊपर कि सेम सिचुएशन में बेटा अब तुम आ गए हो, अब तुम्हारी फाइट सिरिल गान के साथ है, लेकिन असली चैंपियन जो फ्रांसिस एनगानू है वो यूएफसी छोड़कर जा चुका है, तो अब जब तुम हैवीवेट चैंपियन बन जाओगे, सिरिल गान को हरा भी दोगे, तो मैं तुम्हें रियल चैंपियन नहीं मानूंगा। तो मेरा कहना डेनियल कॉर्मिये से ये है कि आपके चैंपियन मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉन जोन्स ने दो बार आपको पेला है रिंग के अंदर वन साइडेड। और रही बात जॉन जोन्स की इस फाइट की,
तो सिरिल गान ज्यादा टफ है फ्रांसिस एनगानू से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी सिरिल गान ने एक इंटरव्यू दे दिया है जिसमें उन्होंने मेरे दिल की बात छीन ली। उन्होंने कहा कि लोग फ्रांसिस एनगानू के जाने के बाद ये सोच रहे हैं कि जॉन जोन्स के लिए रास्ता आसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉन जोन्स के लिए मैं ज्यादा टफ हूं फ्रांसिस एनगानू से, और क्यों ये बात तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप मुझे ये बताओ कि डैनियल कोर्मिये का ये कहना कि तुम बेल्ट भी जीत जाओगे तब भी मैं तुम्हें चैंपियन नहीं मानूंगा क्योंकि रियल चैंपियन तो यूएफसी छोड़कर चला गया है। अरे क्यों गया छोड़ के? पहली बात तो ये जो लोग बोल रहे हैं पैसों की वजह से छोड़कर चला गया, यूएफसी ने इतने ज्यादा पैसे जो है फाइट डील के लिए देने के लिए रेडी हो गए थे वो, जितने आज तक ब्रोक लेजनर को और फेडोर इमिलियंको को भी नहीं दिए थे। यानी कि फेडोर को तो ला नहीं पाए और ब्रोक लेजनर को जितने दिए थे उससे कहीं ज्यादा पैसे फ्रांसिस एनगानू को दिए गए थे। और आप लोग ये बोल रहे हैं कि फ्रांसिस एनगानू के साथ तो बहुत बुरा हुआ, उससे उसको तो यूएफसी चूस रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा 2017 में, फ्रांसिस एनगानू की शक्ल दिखाऊंगा, उसकी बॉडी दिखाऊंगा जब वो कुछ नहीं कर रहे थे, यूएफसी में नहीं थे तब। और फिर मैं 2022 की दिखाऊंगा अब की, उनके पास कितना पैसा है और वो अब कैसे दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यूएफसी की वजह से ही हुई हैं। तो जो चीज आदमी को खड़ा करे उसी चीज को लात मार कर वो चला जाए और ये बोले पैसे नहीं दे रहे मुझे, ये गलत बात है। आपके माइंड में भी कई ऐसी चीजें बैठा दी गई हैं, जैसे दूसरे बॉक्सिंग में तो बहुत ज्यादा पैसे हैं लेकिन एमएमए में नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। एमएमए के अंदर भी खूब पैसा है, एमएमए के अंदर आपके अंदर हर्ट होना चाहिए, दिल होना चाहिए, गुर्दा होना चाहिए, वरना लोग बेवकूफ नहीं है जो यूएफसी के अंदर एंट्री लेने के लिए तरसते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। बाकी डैनियल कोर्मिये का तो मेरा इतना ही कहना है कि आप अपने पर्सनल ग्रजेस को अलग रखें। जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि जॉन जोन्स की जो पूरी करियर है उसमें जॉन जोन्स की खुद की आदतें, जॉन जोन्स का खुद का नेचर जो है उनका दुश्मन बना हुआ है। नहीं तो पोटेंशियल वाइज, गेम प्लान वाइज, फाइट आईक्यू वाइज जॉन जोन्स के आसपास भी कोई नहीं है। और रही बात सिरिल गान के साथ फाइट की, जब सिरिल गान फाइट करने उतरेंगे जॉन जोन्स के खिलाफ तो आप इस चीज को देखना कि जॉन जोन्स का जो स्किल सेट होगा वो आपको अलग ही दिखाई देगा। और सिरिल गान को हराकर जॉन जोन्स दोबारा से अपना किंगडम यूएफसी के अंदर फिक्स कर लेंगे, क्योंकि जॉन जोन्स के साथ 8 फाइट की जो है डील फिक्स हुई है। 8 फाइट कम से कम जॉन जोन्स को करनी पड़ेंगी, यानी कि ये फाइट सिरिल गान वाली, उसके अलावा 7 फाइट और करनी पड़ेंगी। यानी कि अगले 3-4 साल तक डेना वाइट ने ये पक्का कर दिया है कि हमें जॉन जोन्स की फाइट लगातार देखने को मिले, एक के बाद एक टाइटल डिफेंस। डीसी का कहना यह भी था कि अपनी चमड़ी को मोटी कर लेना, क्योंकि अगर तुम गलती से जीत भी गए तो बाकी के फाइटर्स के साथ तुम्हें टाइटल डिफेंस करना पड़ेगा। तो एक चीज मैं बता दूं कि जॉन जोन्स अगर सिरिल गान को हरा देते हैं तो बाकी के सभी हैवीवेट को हराने का दम रखते हैं, और जॉन जोन्स ने तो यह क्लियर ही कर दिया था कि जिसके अंदर आप दम समझते हो उसको ले आओ, आई एम रेडी फॉर एवरीवन। तो मजा आएगा यूएफसी 285 में, 5 मार्च को होने वाली है ये, और ये फाइट जो होगी ये अनदर लेवल पे होने वाली है, क्योंकि जॉन जोन्स को देखे यार 3 साल हो गए हैं और वही पुराने जॉन जोन्स हमें दिखाई देंगे जो रिलेंटलेस थे और जो बिल्कुल ख़त्म कर देते थे अपने अपोनेंट को। तो आपको क्या लगता है कि डीसी जलता नहीं है क्या जॉन जोन्स से यार, और ये जो बातें वो कर रहा है, ये जो कमेंट वो दे रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है क्या कि बेल्ट जीतने के बाद भी लोग आपको चैंपियन ना मानेंगे? अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है, दुनिया ने मान लिया है। कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना। टेक केयर।